Our topic is fineness of lower limit topology. In this topic, we will discuss the fineness of lower limit topology in comparison with the usual topology on R. So, let us give our claim. The lower limit topology RL on the real line R is finer than the usual topology RU on the real line R. Now, let us prove this fact. Let us recall the basis for the lower limit topology and basis for the usual topology. So, lower limit topology ki basis kya thi aapke paas? Is interval of this kind where AB belongs to R. Aur aapke paas usual topology ki basis kya thi? That is the set of all open intervals. अब बेसिकली मैंने बेसिस क्यों लिखी है, हालांकि मैंने तो शो करना था कि फाइन है, लेकिन आपने प्रीवियस टॉपिक में ये स्टडी किया है कि अगर एक टोपोलॉजी दूसरी टोपोलॉजी से फाइनर है तो उनकी बेसिस में क्या रिलेशन होता है. उनकी बेसिस में ये रिलेशन होता है कि हर वीकर टोपोलॉजी के हर बेसिस एलिमेंट के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली आपको जो फाइनर टोपोलॉजी है या स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी है उसका एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए जो उस एलिमेंट को कंटेन करे और सबसेट हो किसका, वीकर टोपोलॉजी के उस बेसिस एलिमेंट का. नो For any element of this BU and for all X belongs to this element of BU. अगर X इसका element है तो it is very much clear that the X is greater than A and less than B. I can find an element of the form from, क्योंकि ये हाफ ओपन हाफ यानी कि लोअर साइड से ये क्लोज है और अपर साइड से ये ओपन है, तो इट मीन्स ये किसका एलिमेंट हुआ, बी एल का एलिमेंट हुआ. एंड वन कैन सी वेरी क्लियरली कि ये एक्स को कंटेन करता है और सबसेट है ए बी का, क्योंकि एक्स ए से ग्रेटर है तो इट मींस कि ये उसके ओपन इंटरवल के अंदर लाई करते हैं. सो इट मींस दैट दिस इंप्लाइज दैट आर यू इज वीकर देन आर एल और आर एल इज फाइनर देन आर यू. लेकिन हम यहां पे एंड नहीं करेंगे क्योंकि बेसिकली इसमें मैंने सिर्फ ये शो नहीं करना कि आर एल फाइनर है, बल्कि मैंने ये शो करना है कि आर एल स्ट्रिक्टली फाइनर है. दैट इज I want to show that कि R L is not the subclass of R U. अब हमने अगर ये show करना हो कि कोई topology finer है तो उसके लिए तो हमारे पास criteria है, तो अगर हमने ये show करना कि वो उससे finer नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जाहिर बात जो हमारी जो पास theorem का second part था उसको violate करेंगे, यानी कि कोई एक element ऐसा होना चाहिए जो उसको violate करे. अगर आप देखें let X B यही सेट लें, ये किसका एलिमेंट है, बी एल का एलिमेंट है. अगर आप इसमें से एक एलिमेंट चूज करें X, अभी X के कॉरस्पॉन्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस X देर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ द फॉर्म दिस वन सच दैट X इज एन एलिमेंट ऑफ this open interval AB and this open interval is a subset of XB. यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा open interval नहीं मिलेगा जो X को contain करे और इस half open half close interval XB का subset हो. So this implies that R L is not weaker than R U. So it means that R L is strictly finer than R U.